मेरी किचन में है ये बिग बिग कद्दू कुमड़ा, या इसे भूरा कुमड़ा भी बोलते हैं, जिसे पेठा वाला कुमड़ा भी बोलते हैं, इसे पेठे बनते हैं। तो आज हम इस पेठे वाले कुमड़े से क्या क्या बनाएंगे। पहला हम बनाएंगे इससे बड़ी पेठा, जो आगरे के पेठे के नाम से फेमस है, आगरे का पेठा, और बनाएंगे बड़ी और बिजोरा। और ये तीनों ही चीजें स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है, हेल्दी होती है। और इसकी बड़ी और बिजोरा तो इतना हेल्दी होता है, इन्हें आप सर्दी के दिनों में खाएंगे तो आपके जो जोड़ों के दर्द हैं वो भी नहीं होते हैं। और बेनिफिट होता है इसका ये कि आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा माना गया है। पेठे इसके गर्मियों में खाने से शरीर में ठंडक बनाए रखता है, वहीं इसकी पड़ी और बिजोरा बना खाने से सर्दियों में गर्मी बनाए रखता है शरीर में। बिजोरा बहुत टेस्टी बनता है, तो अभी तो इसे मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसको काटने में। तो अगला पार्ट इसका हमारा ये होगा कि इसको सबसे पहले हमें कटिंग करना है। पेठे की कटिंग अलग होगी और बड़ी के लिए हमें इसको ग्रेट करना पड़ेगा। दिया है देखिए, ये अलग कर देना है, और ये जो सॉफ्ट वाला पार्ट होता है इसे भी अलग करना है, क्योंकि ये जब हम ग्रेट करते हैं तो ये ग्रेट करने में दिक्कत करता है और ये पानी हो जाता है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है। और ये इन बीजों से और इससे हम बिजोरा बनाएंगे। अब हम बनाने जा रहे हैं इसी कुम्भड़े के बिजोरे। ये जो बताया था मैंने, जो सेंटर पार्ट था उसमें से ये बीज उसके अलग कर लिए हैं। और ये दाल भिगा दी, लगभग 1 केजी है, और ये 2.5 केजी हमारी तिल है, और कुछ मिर्ची वैसे ही जैसे बड़ी के लिए ली थी हमने, और अदरक, इलायची, काली मिर्च और नमक। अब इसे हम पीस लेंगे। ये दाल पीस चुकी है अब हमारी, और ये अदरक हरी मिर्च भी पिस गई है, काली मिर्च पिस गई है, साथ में हींग ले लिया है, थोड़ा सा नमक ले लिया है, और ये जो लच्छे हमने बचा के रखे थे वो है, और बाकी जो आज जो पल्प से हमने अभी ये किया है इसको भी मैंने थोड़ा सा दरदरा पीस लिया है। और ये तिल्ली अब मैं सब मिक्स करूंगी, और इसके पहले थोड़ा सा बैटर मैं निकाल लूंगी, फिर नमक डालूंगी। और ये अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम बिजोरे छत पे डालने जाएंगे। और ये चूड़ी की मदद से हमें इस तरह से ये बिजोरे बना लेना है। जैसा शेप आप चाहें, जितना मोटा चाहें, वैसे ये परफेक्ट साइज है, इसी साइज के सारे बनाना है। और ये सारे बिजोरे बन गए। इतना पानी और बचा है, इससे अब हम पूड़ी बनाएंगे। और अब आप देख सकते हैं कि कुम्भड़े का पूरा पार्ट हमारा यूज हो गया है, कुछ नहीं बचा, सिर्फ हमने जो छिलके पील किए थे वो भी बिल्कुल पतले पतले से 100 ग्राम छिलके निकले होंगे इतने बड़े कद्दू में से, और सारी चीजें उसकी हमारे यूज हो गई। बिजोरे बन गए, बड़ी बन गई, और पूड़ी बनेगी, बड़े बनेंगे, पेठे बन रहे हैं।